दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2020 को लेकर। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही है, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है BCCI को एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर IPL 2020 को लेकर जो है वो दी है। तो क्या है दोस्तों खबर, बात करेंगे इस वीडियो में, और कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है IPL 2020 को, सारी बातचीत इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप भी IPL के फैन कर रहे हैं, IPL 2020 का इंतज़ार, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आप कौन से खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा बेताब है यहां पर, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। बात करें दोस्तों IPL 2020 की, तो IPL 2020 हम सभी को पता है फर्दर अपडेट आने तक के लिए यहां पर जो है वो पोस्टपोन है, जहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़ी बड़ी अपडेट IPL 2020 को लेकर आ रही है, जहां पर BCCI जो है एक बेस्ट विंडो की तलाश कर रही है IPL 2020 के लिए। और इसको लेकर दोस्तों लगातार बड़ी बड़ी अपडेट्स भी जो है वो निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अच्छी खबरें जो है वो निकल कर आ रही थी IPL 2020 के लिए, लेकिन रिसेंटली यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा झटका जो है वो दे दिया है BCCI को, जहां पर आपको बता दें कि इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक बहुत ही बड़ा बयान IPL 2020 को लेकर दिया है, जहां पर आपको बता दें कि खेल मंत्री जो है इंडिया के वो है किरण रिजिजू, जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि IPL 2020 का जो फ्यूचर है वो यहां पर BCCI नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो करने वाली है डिसाइड, यानी कि IPL 2020 होगा या फिर नहीं होगा ये जो है इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि BCCI, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहां पर सिर्फ एक इवेंट के लिए, एक स्पोर्टिंग इवेंट के लिए वो पूरे नेशन की जो हेल्थ है उसको खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है COVID-19 के अगेंस्ट फाइट, और ऐसे में यहां पर IPL 2020 का जो फेथ है वो डिसाइड करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत ही बड़ा बयान जो है वो आया है रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से। तो दोस्तों देखते हैं यहां पर इस बयान से अब आगे क्या अपडेट जो है वो निकल कर आती है, लेकिन अगर हम बात करें BCCI की या फिर IPL के फैंस की, तो ये एक बुरी खबर जो है वो निकल कर आई है, जिस तरह का बयान जो है वो दिया है यहां पर किरण रिजिजू ने। तो अब देखने वाली बात होगी दोस्तों आने वाले समय में हमें क्या अपडेट जो है वो मिलती है IPL 2020 को लेकर, लेकिन यहां पर जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी वो हमने आपको दी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।